Yes, good afternoon, boys and girls. Hope पिछली वीडियो आप देख चुके हैं और we are going to start with the next topic, our lens formula. हाँ जी तो lens formula से start करेंगे और lens formula में ही हम एक numerical भी practice करेंगे ताकि हमें पूरी surety हो जाए कि that whatever we have done, sine convention हमने करी है. Sine convention हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए formula को लिखना और formula को देखो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो मेमोराइज होती हैं. एक टाइम ऐसा आता है 10th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो चीजें मेमोराइज होती हैं उनके आंसर्स प्लस 1 प्लस 2 में जाके मिलने शुरू हो जाते हैं. देखो 10th क्लास तक अपना यही सिस्टम है. आंसर्स के लिए जाओगे तो आप एक मेन जो बेसिक है वो भूल जाओगे. आंसर सबके मिलेंगे. अभी के लिए हम देखो आंसर ऐसे होते हैं. अभी जो ऑप्टिक्स टॉपिक है इसके 7 टू 8 पार्ट्स हो जाते हैं प्लस 2 क्लास में. अभी के लिए सिर्फ एक चैप्टर है, इसके आने वाले 8 चैप्टर्स बन जाते हैं. हम भी कह सकते हैं कि हम 10th में वो 8 चैप्टर्स करवा दें. लेकिन आपको पता है नर्सरी क्लास के बच्चों को मैं अगर 10th का पढ़ाना शुरू कर दूं क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा बेटा. तो एक एज होती है और उस समय एक तरीके की नॉलेज पावर होती है. तो वही चीज हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक बार बेसिक करें. आई एम अश्योरिंग यू और ट्राई भी नहीं कहूंगा, आई एम अश्योरिंग यू कि एक बार हमारे बेसिक हो जाएगा तो आई विल प्रोवाइड यू कॉम्पिटिशन लेक्चर्स ऑल्सो. मैं आपको कॉम्पिटिशन लेक्चर्स दूंगा जिसमें आपको हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनटीएससी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे दैट यू कैन ट्राई. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आई एम ट्राइंग लेवल बेस्ट. मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूं ताकि हम अपने आप को बहुत एडवांस बनाने की कोशिश कर लें. इट्स टाइम नाउ एंड वी विल डू इट. देखिए बेटा लेंस फार्मूला क्या है? बेसिकली जैसे मिरर फार्मूला था वैसे लेंस फार्मूला इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. आपको पता है मैं पहले बता चुका हूं, बार बार वो चीज नहीं रिपीट कर रहा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो है हम u से डिनोट करने वाले हैं. इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस. लेंस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन बताता है दैट इज नोन एज लेंस फार्मूला. फार्मूला क्या होता है? 1 / v - 1 / u = 1 / f. या मैं लिख सकता हूं 1 / इमेज डिस्टेंस - 1 / ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = 1 / फोकल लेंथ. 1 / इमेज डिस्टेंस - 1 / ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = 1 / फोकल. ठीक है बेटा जी. अब इसी के साथ मैग्निफिकेशन क्या होती है? देखो हमने मिरर फॉर्मूला में सब चीजें हमने पढ़ी हैं तो अब हमारे पास ये है कि हम चीजों को जल्दी ही करने की कोशिश करें. फॉर्मूला याद करो. अब मैग्निफिकेशन इट डिटरमाइंस साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू the size of object. Size of image और size of object के बीच में जो relation होता है वो आपका magnification बताता है. कितनी बड़ी image बनी है कितनी छोटी. हमने mirror formula में भी ये बात करी थी, image कितनी बड़ी है या image कितनी छोटी है. तो इसका formula होता है m is equal to hi divided by ho. तो उसमें भी यही था इसमें भी यही, दोनों में same था m is equal to hi by ho. लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्मूला था याद करो माइनस वी बाई यू वाला वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो वही फॉर्मूला देखेंगे. यस तो वो फॉर्मूला देखेंगे बेटा हम. रिलेशन बिटवीन बिटवीन मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. इमेज डिस्टेंस वी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. तो एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच आई डिवाइड बाई एच. उसमें माइनस वी बाई यू था लेकिन इसमें होता है वी बाई यू. देखो वी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव डालनी है लेकिन आगे जो माइनस का साइन था वो इसमें नहीं होता. एक सिंपल एक डेरिवेशन है. व्हेन लू कंपटीशन करेंगे थोड़ा सा तो हम कंपटीशन में करेंगे तो हम इसकी डेरिवेशन को भी करवा देंगे. लेकिन अभी के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना है m is equal to hi by ho
इज इक्वल टू वी बाई यू. एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज. एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हर चीज को हमने लिखवाया था. ये चीज याद रखना, वी हैव डन एवरीथिंग इन डिटेल. तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा. और न्यूमेरिकल करने के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं और करना चाहूंगा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. हाँ जी बेटा, अवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. देखो बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मैंने क्यों बोला, आपको बहुत बार पता होता है कि आपके जो लेंस है वो एक नहीं लगता, ठीक है ना बेटा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको टेलीस्कोप में बताया, टेलीस्कोप में जब आप देखते हो तो आप एक तो बिल्कुल आपकी आंख के पास लेंस होता है, और दूसरा लेंस जो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, ठीक है, वो आपकी आंख से थोड़ा सा दूर होता है. मतलब जहां पे आपकी पहले सामने तरफ शीशा होता है और एक बिल्कुल आंख के पास शीशा होता है. तो ये दो लेंसेज होते हैं बेसिकली. अब ये दोनों लेंसेज जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट, दूर वाला ऑब्जेक्ट भी पास दिख पाता है. ऐसे ही आपके बाइनोक्युलर्स जब आप यूज करते हो, बाइनोक्युलर्स भी वैसे ही काम करते हैं. आपके बाइनोक्युलर्स में भी दो ही लेंस होते हैं. तो इस तरीके की जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें दो लेंस होते हैं, इसका मतलब जो दोनों लेंस हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे हैं. अब दोनों लेंस आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है बेटा. तो याद रखिए, जो दोनों लेंसेज होते हैं तो बेसिकली हमें तो चाहिए होती है उनकी फोकल लेंथ. क्या चाहिए होती है, फोकल लेंथ मेन होती है उन लेंसेज की. तो देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है. तो इन दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग होगी. इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी, अलग अलग. मान लो इसकी फोकल लेंथ F1 और इसकी फोकल लेंथ F2 है. तो इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी होगी, उसको निकालने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लेंसेज हैं, दोनों लेंसेज आपके ऐसे लगे हुए, ठीक है, दो लेंसेज. अभी दोनों फोकल लेंथ, एक की फोकल लेंथ मान लो F1 और एक की फोकल लेंथ F2. देखिए, when two, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कन्वेक्स के, when two lenses are combined together, then their equivalent, equivalent मतलब total, then their equivalent focal length is given by the formula 1/F. बड़ा F लगा दिया, वो equivalent focal length तो पताने वाला. 1/F is equal to 1/F1 plus 1/F2. 1/F is equal to 1/F1 plus 1/F2. तो आपको जो total average, total focal length, इक्वी दोनों की मिला के जो focal length होगी, वो होगी 1/F is equal to 1/F1 plus 1/F2. तो आप इस formula को use करके दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं. इसके ऊपर ये क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को. तो जितने मर्जी लेंस आप लगाएंगे तो आप उसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसको भी निकाल सकते हैं. तो दैट विल बी अवर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ये हमारा है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो इस चीज को याद रखना कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/F is equal to 1/F1 plus 1/F2, ठीक है. अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे आते हैं. यस बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया मैंने, हम पहले कॉम्बिनेशन के ऊपर वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपको पूरा समझ में आए. दो कन्वेक्स लेंस थे और फोकल लेंथ प्लस 5 एंड प्लस 10. ये चीज आपको याद रखना कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उनकी फोकल लेंथ प्लस होती है और जो कनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है, मुझे हम आपको बता चुके हैं. अब आपको कह रहे हैं दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो. तो आपको मान लो F1 जो है वो मेरा प्लस का 5 सेंटीमीटर है और F2 मान लिया प्लस का 10 सेंटीमीटर. दोनों की कंबाइन निकालनी है तो 1/F जो होता है वो 1/F1 प्लस 1/F2 के बराबर हो जाता है. 1/F जो होगा वो 1/5 प्लस 1/10 के बराबर हो गया. 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है. तो ये आ गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा 1/F इज इक्वल टू 3/10. अब ये 1/F 3/10 है तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर. तो मेरी फोकल लेंथ आ गई 3.33 सेंटीमीटर. आपकी कंबाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ गई दोनों के मिला के, 3.33
सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास दो लेंसेज अगर कॉम्बिनेशन में होंगे तो आप दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली डू। असाइनमेंट्स में तो मिलेंगे मिलेंगे, बट ये हमारे क्वेश्चन था जो हम आसानी से कर पाए कि हमारी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ थी वो क्या आ गई 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन अपना लेंस के ऊपर भी करते हैं, एक या दो ट्राई जिसने हो सके। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज 40 सेंटीमीटर। जो इमेज बन रही है वो 40 सेंटीमीटर दूर बन रही है, इमेज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज जो है वो आपकी 40 सेंटीमीटर दूर बन रही है, दिख रही है ना ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इमेज इज 40 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, उधर लिखिए ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज, आपको इमेज का नेचर बताना है। देखिए अब आपको इमेज का नेचर बताना है, ये चीज याद रखना कन्वेक्स लेंस है, माइंड में थिंकिंग करो, उसी साइड पे बन रही है। अब कन्वेक्स लेंस दूसरी साइड बनती है तो वो रियल इमेज होती है, मिरर में उल्टा होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस दूसरी साइड पे इमेज बन रही है रियल। अब रियल के साथ हमें तो पता है इन्वर्टेड होती है, लेकिन हमें प्रूव करना है, हमें जो हाइट ऑफ इमेज है उसकी वैल्यू माइनस लाके दिखानी है। ठीक है बेटा, तो वो देखते हैं कैसे करते हैं, मैग्निफिकेशन से भी हम बता सकते हैं, आपको एक मैग्निफिकेशन का रूल भी बताऊंगा। देखो हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन था U कितना दिया हुआ है, दिया ही हुआ U निकालना है, U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव होती है, V की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आपको उसने कह दिया कि इमेज लेंस की दूसरी साइड पर बन रही है, इसका मतलब V को हम क्या लेने वाले हैं पॉजिटिव लेने। अगर वो ये बात ना कहता ना तो वो आपको बताता कि जरूर कुछ ना कुछ बताता पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि उसने बोल दिया कि दूसरे साइड में बन रही है, इसका मतलब बी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो सबसे पहले यूजिंग लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v - 1/u = 1/f, u साइड ले जाता हूं f साइड ले आता हूं, तो 1/v - 1/f = 1/u, v की वैल्यू पुट कर दो 1/40 - 1/20 = 1/u, 40 और 20 का एलसीएम होता है 40, 1 - 2 = 1/u, 1 by u आ गया मेरा -1/40 और u आ गया मेरा -40 सेंटीमीटर। मेरे को u की वैल्यू क्या मिलगी -40 सेंटीमीटर, मतलब मेरा u क्या है -40। ठीक है बेटा, अब मैं निकाल लेता हूं मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लेता हूं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए -v/u, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या चाहिए -v/u, उसको ही लेंस है। ठीक है ना, लेंथ है, लेंथ में क्या होता है प्लस होता है, m इक्वल टू v बाय u, v की वैल्यू 40, u की वैल्यू माइनस, m क्या आ गया, m की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू क्या आ गई -1। अब देखो बेटा m जो बराबर होता है वो होता है hi डिवाइड बाय ho के, उसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, HiHO की वैल्यू -1 आ रही है, तो HI किसके बराबर हो गया HO के माइनस के, चाहे इधर माइनस लगाओ चाहे इधर माइनस लगाओ, अगर HO तो पॉजिटिव होगा ही होगा, HI और HO की वैल्यू तो बराबर है लेकिन एक नेगेटिव है, अगर HO 40 है तो HI -40 है। अब HI की वैल्यू क्या है, अब HO तो देखो बेटा मैं यहां माइनस लगा सकता था लेकिन HO कभी भी नेगेटिव नहीं होता, HO हमेशा क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव बनी होती है, इसका मतलब इमेज क्या है नेगेटिव है। अगर इमेज नेगेटिव बनी तो इट इमेज इज इनवर्टेड। थिंक, सोचना पड़ेगा, हर चीजों को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा। नेचर हमें पहले तो था अपोजिट साइड बन रही है तो इट इज रियल, ठीक है ना, इमेज इज रियल, लेकिन इनवर्टेड कैसे प्रूव करना वो हम नहीं आ सके, तो हर चीज सोचनी पड़ेगी, एवरीथिंग यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, तो आपको हर चीज ऑब्जर्व करनी। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसके ऊपर एंड देन वी विल कंक्लूड अवर लेक्चर, अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे, उसके बाद एक छोटा टॉपिक रह जाएगा पावर, पावर एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद हम लाइट चैप्टर को अभी तक कह देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद बायो सेक्शन। इस बेटा देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, इमेज जैसी बनी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है हमें। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको आपकी बार यू, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसीडर्ड इज -30, f कॉनकेव लेंस f की वैल्यू नेगेटिव, माइनस का 15 सेंटीमीटर। पहले तो सबसे पहले इमेज बना लेते हैं, निकाल लेते हैं 1/v - 1/u = 1/f,
f. तो 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. 1 by v is equal to minus 1 by 15 minus 1 by 30. तो 1 by v is equal to 15 और 30 का LCM होता है 30. Minus 2 minus 1. तो ये हो गया minus 3 by 30. 1 पे गया, 10 पे गया. 1 by v आ गया minus 1 by 10. तो v की वैल्यू क्या आ गई? V आ गई minus 10. अब v की वैल्यू minus 10 आ चुकी है, तो इमेज कैसी बनी है? इमेज इज वर्चुअल. इमेज कैसी बनी है? इमेज इज वर्चुअल. इमेज वर्चुअल बनी है. अब दूसरी चीज देखते हैं, मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं. m is equal to hi by ho is equal to v by u. m is equal to hi, m तो खत्म ही कर देते हैं. hi by ho is equal to v की वैल्यू minus 10, u की वैल्यू minus 30. ये तो काट नहीं था, माइनस से माइनस कट. तो आपका जो hi divide by ho है वो आ गया 1 by 3. इसका मतलब जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, 1/3 है. इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है? 1/3. इसका मतलब जो इमेज बनी है वो क्या बनी है? इमेज इज डिमिनिश्ड. इमेज क्या है? डिमिनिश्ड. एच हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एच आई भी क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव होगा. तो इमेज क्या है? इमेज इज इरेक्ट. ठीक है बेटा. तो इस तरीके से हम करेक्टरिस्टिक्स भी बता सकते हैं उस इमेज के बारे में, अगर क्वेश्चन कैरेक्टर 6 के आंसर में आ जाता है. आई थिंक वी विल कंक्लूड अवर चैप्टर विद दिस न्यूमेरिकल. आपको असाइनमेंट जरूर मिलेंगे लेंस के ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस असाइनमेंट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पावर ऑफ द लेंस. अगले लेक्चर में हम पावर ऑफ द लेंस के बारे में बात करने वाले हैं. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 9, एंड वी हैव फिनिश्ड इट इन अ गुड मैनर. फिनिश कर रहे हैं इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से फिनिश कर रहे हैं. होप आपको पसंद आया होगा ये चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर विल बी अवर बायो इंट्रोडक्शन. लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, करने में मजा आएगा. लेकिन वो भी बहुत लंबा चैप्टर, बहुत वो तो बहुत ज्यादा ही लंबा चैप्टर है. मतलब वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर इन बायो सेक्शन इज अवर लाइफ प्रोसेस. लेकिन हमने तीन चैप्टर ऐसे करने हैं, हमने बायो स्टार्ट कर नहीं दिया. तो हमने बायो स्टार्ट करनी है, तो ऑब्वियसली स्टार्ट करना फर्स्ट चैप्टर ना. तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. तीनों के फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करे, लाइट आपका केमिकल रिएक्शन, एंड देन वी विल गो विद द बायो लाइफ प्रोसेस. थैंक यू गाइस, होप वॉच दिस वीडियो कोविड को हराना. Thank you.